कि कैसे आप अपने दुकान को ऑफरिंग कर सकते हैं और क्या क्या आपको चाहिए। हमारे यहाँ 310 रुपये से स्टार्टिंग वाइट ब्लैक जीन्स जो है 310 का भी है हमारे पास। ये देखिए एक्स इंडिया का नाम से हमारा मैन्युफैक्चरिंग होता है। हमारे यहाँ ये 390 का भी है, 360 का भी है। इसका रेट आपको है 450 का है, इसका रेट 390 का आएगा। ये 380 रुपये का माल है। कहने का मतलब कि 150 रुपये से स्टार्टिंग हो जाता है। 150 रुपये से लेकर के 290 रुपये तक का आपको माल मिलेगा। अच्छा, हमारे पास बॉक्स का रेट है आपको 60 से 450 रुपये तक का माल। दोस्तों आज फिर से पहुंचे हैं बिहार के सबसे बड़ी फैक्ट्री में, जहां पे शर्ट जीन्स टी शर्ट वगैरह बनाया जाता है। और काफ़ी आप लोगों का कमेंट रहता है कि सर ये बिहार की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, तो कैसे बिहार के व्यापारियों को सपोर्ट करिए, खास करके रिटेलर को, छोटे छोटे जो दुकानदार हो या फिर कारीगर को किस तरह से ये सपोर्ट करती है, साथ में जो खास करके नए लोग बिजनेस करना चाहते हैं उनको कैसे सपोर्ट करती है, तो सब कुछ आज की इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सबसे पहले थोड़ा सा देखेंगे कितना बड़ा इनका फर्म है, किस तरह से यहाँ पर बहुत सारी जो वैरायटी होती है यहाँ पर बनाई जाती है, खुद की इनकी मैन्युफैक्चरिंग है, इसलिए रेट वगैरह भी काफ़ी सस्ता रीजनेबल रहता है। तो आज हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं राजा भैया है, और बगल में मेरे मिल्ली मैम भी आ गई हैं। तो राजा भैया कैसे हैं? बस बढ़िया हैं। आप सबको नमस्कार, जितने भी हमारे दर्शकों और कस्टमर देख रहे हैं उन सभी को नमस्कार। फिर से आपके बीच में लाए हैं कुछ नया और पॉजिटिव चीज़ें लाए हैं, बहुत मज़ा आएगा। इस बार अलग हट करके हम लोग कुछ आपके सामने पेश करने वाले हैं, रखने वाले हैं। बिल्कुल, एक चीज़ यह बताया ना कि क्या होता है कि बहुत लोग बाहर जाते हैं, व्यापार जो होते हैं ना छोटे छोटे बहुत सारे, सोच सकते हैं कि इतना बड़ा बाज़ार है बिहार का और यूपी का, लेकिन क्या होता है कि बाहर से लोग ख़रीदारी करते हैं। तो क्या वो वाली चीज़ या फिर कहें तो वैरायटी, रेट, क्वालिटी अपने बिहार में पॉसिबल आप लोगों ने किया है क्या? देखिए बिल्कुल, अभी हम लोग कोरोना काल से स्टार्ट किए थे और काफ़ी सफल रहे हैं, काम को हम लोग बहुत आगे बढ़ाए हैं। अभी समथिंग हम लोग के पास, आपको पहले भी बताया है, 150 मशीनें चल रही है। तो अभी जो है हम लोग अभी जो चर्चा करने वाले हैं, अभी जो अपने बिहार में नए जो भी ओपनिंग करने वाले जो भी कस्टमर हैं, ओपनिंग करने के पहले बहुत सारे उनको टेंशन रहता है, कैसे कहाँ से परचेजिंग करेंगे, कैसे ख़रीदारी करेंगे, कोई आइडिया नहीं रहता है। तो आज उसी विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। आप लोग जितनी भी जो भी बिहार के नवयुवक हैं या फिर जो भी हैं, उनको दुकान मेंसवेयर का अगर ओपनिंग करना है, कपड़े का दुकान ओपनिंग करना है, तो आज परफेक्ट जगह पे आप ये वीडियो देख रहे हैं और परफेक्ट बातें बताई जाएगी कि कैसे आप अपने दुकान को ओपनिंग कर सकते हैं और क्या क्या आपको चाहिए। बिल्कुल, एक चीज़ और मैं साथ में बताऊंगा, कई लोग सोचेंगे कि भैया इसमें हम लोग का क्या फ़ायदा है, हम लोग तो बाहर से भी काम कर रहे थे, बिहार से ही करें तो यहाँ से क्यों करें, एक्स इंडिया से खास करके क्यों करें। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो सब चीज़ आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, और साथ में एक ऑफर नहीं बहुत सारे आज ऑफर देने वाले हैं ना, खास करके नए व्यापारी के लिए तो होगा ही, और वो व्यापारी भी हैं जो 20,000-25,000 का जो खास करके जिनका शॉप चल रहा है मार्केट के अंदर में, उनके लिए भी ऑफर है। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहें, लास्ट तक बने रहें। तो सर जी सबसे पहले मैं वैरायटी की बात करूँगा कि क्या क्या वैरायटी आपने बिहार में यहाँ पर बनाया जा रहा है। ठीक है, हमारे यहाँ वैरायटी की बात किया जाए तो जीन्स बनता है, शर्ट बनता है, टी शर्ट बनता है, ट्राउज़र बनता है। हमारे यहाँ मेंस वेयर में वो सारे आइटम मिलते हैं जो एक मेंस वेयर शॉप पे उपलब्ध होता है। हमारे यहाँ इंडो वेस्टर्न वगैरह भी अभी नया एथनिक वेयर में अभी जैसे आएंगे वहाँ पे है, अभी देखिए ये सब जो भी है पार्टी वेयर में, ये सब सीक्वेंस कुर्ता वगैरह ये सब चीज़ मिल जाएगा अवेलेबल। कहने का मतलब कि एक मेंस वेयर की बात की जाए तो वैरायटी ऑल ओवर आपने रखा है, यहाँ तक कि आपको कभी फील ही नहीं होगा कि भैया हमारे पास ये नहीं है, सब कुछ आपको मिल जाएगा, तो सोचने वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं कि क्या रेट वाइज बात करें गुजरात दिल्ली से तो कैसा है चीज़, और आपको बताएंगे। ये सारा सुविधा एक जगह नहीं मिलता, एक छत के नीचे, जैसे कि आपको जींस शर्ट के साथ इंडो वेस्टर्न वगैरह भी मिल रहा है, लगन का सामान भी मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि सारा चीज़ एक ही जगह आपको मिल रहा है। हमें नहीं लगता है कि ये सारा रेंज एक जगह एक छत के नीचे अभी और कोई प्रोवाइड करवा पा रहा है। और साथ में मिली मैम भी है। मैम नमस्ते, कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ, थैंक यू। फिर से करते हैं इसको। साथ में हमारे मिली मैम भी है, तो उनके बारे में मैंने नहीं बताया, तो मैम बताएं थोड़ा सा हमारे व्यूअर को आप कैसे हैं। मैं अच्छी हूँ। अच्छा, एक चीज़ ये बताएं, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों को आप ऑफर देते हैं, आप दोनों मिलकर कहीं ना कहीं बिहार को
जो तरक्की पे आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बिहार अभी भी बहुत पीछे है। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, कई लोग जैसे क्या होता है सर कि लोन वगैरह भी हो रहा है, सरकार भी सपोर्ट कर रही है, लेकिन क्या हो रहा है बहुत सारी कंपनियाँ बंद भी हो जा रही है, फैक्ट्री जो छोटी छोटी होती है 2 लाख 4 लाख का जो लोन होता है उसमें आप लोग कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए उस चीज़ पर तो हम आपको बताएंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अभी जो है जो भी नया नया फैक्ट्री खुल रहा है, और हम लोग जहाँ तक आंकड़ा की बात की जाए 98% लोग का हाल जो है कंपनी खोल रहे हैं और बंद हो रहा है, कंपनी खोल रहे हैं और बंद हो रहा है। जो भी अभी काम कर रहे हैं मशीन खरीद लेते हैं, काम करने नहीं आता, मार्केटिंग उनसे होता नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं होता, बस मशीनें बैठा लेते हैं, बैठाने के बाद बंद करना पड़ता है। तो उनके लिए हमारे पास अभी बहुत अच्छा ऑफर आया हुआ है और बहुत अच्छा एक मतलब कि रास्ता बताने वाले हैं जिसपे वो चल करके अच्छा से अपने कंपनी को चला सकते हैं और महीने का 50,000 से 1,00,000 रुपए का इनकम भी कर सकते। अच्छा, यहाँ से जुड़ के अगर आपने कभी लोन के माध्यम से कम फैक्ट्री खोला है तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। और साथ में कहेंगे भैया हम लोग बिहार के बाहर काम कर रहे थे, कारीगर हैं, तो उनके लिए भी कुछ आपने रखा है क्या? देखिए पहले तो हम जो भी अपने जो भी छोटे बड़े कारखाना खोले हुए हैं लोग अपने पूरे बिहार के अंदर, उनको मैं एक बात बता दूँ कि हमारे यहाँ से उनको रोज़गार दिया जाता है। अब 10 मशीन कोई बैठाए हुए हैं, उनके पास कोई उपाय नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, तो उनको हम यहाँ से कटिंग वगैरह में प्रॉब्लम होता है। हाँ हाँ, हम उनको जो है यहाँ से कटिंग करके देते हैं, कटिंग करने के बाद वो स्टिचिंग करके हमसे आ करके पैसा ले जाते हैं अपना। हर 2-4 दिन पे यही प्रक्रिया चलती है, उनको चाहे जितना बनाना है बनाए, कोई दिक्कत नहीं है हमारे। अच्छा, कहने का मतलब कि माल आपको बनाकर इनको दे देना है, सिंपल सा माल आपको बना करके यहाँ दे देना है, ना आपको मास्टर का झंझट है, ना ऑपरेटर का झंझट है, ना ही और कुछ अन्यथा मतलब कि माल का टेंशन है, ना ही SSC में। हम लोग के पास सारा वो चीज़ दिया जाता है जिससे आप आराम से प्रेम पूर्वक बना करके केवल स्टिचिंग करके माल हमको दे दीजिए और उसके बदला जो आपको पेमेंट होता है वो पेमेंट ले जाइए। उसके पीछे का जो प्रक्रिया है वो फ़ोन से हमसे बात आराम से कर सकते हैं कि आप माल कम कैसे हमसे लेंगे। अभी हमारे यहाँ 3-4 जगह यूनिट खुला हुआ है जो कि हम इनको इनको अभी प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे कि अभी अररिया में जो है वो वहाँ माल बन रहा है हमारा, अभी गया में जो है गुरारू में वहाँ माल बन रहा है अपना, ठीक है, अपना यहाँ पे परसा कुर्थोले वहाँ माल बन रहा है, अभी फुलवारी शरीफ में रिसेंटली हम लोग जुड़ने वाले हैं, उनसे भी बातचीत चल रही है। तो हम लोग का उद्देश्य है कि आने वाला टाइम में 10 जगह 20 जगह 40 जगह 50 जगह मतलब कि कंपनी को काम दें और काम दे करके उनका उद्योग बढ़ाएं, उनका काम बढ़ाएं, उनका सपोर्ट करें, एक दूसरे के सपोर्ट से ही आगे बढ़ें। अच्छा, ये बहुत ही सराहनीय काम है कि सोच सकते हैं कि कितना अच्छा काम हो रहा है बिहार के लिए। और कई लोग कहेंगे कि भैया हमारा ये प्लानिंग चल रहा है कि हम घर में ही फैक्ट्री लगाना चाहते हैं 8-10 मशीन का, तो उन लोगों को भी आप सपोर्ट करेंगे? हाँ बिल्कुल, आपके आपको अगर आइडिया नहीं है, कई बार होता है कि आदमी लोग एक दूसरे को देख करके फैक्ट्री खोल लेते हैं, फैक्ट्री खोलने के बाद बैक जब होते हैं मूव ऑन होते हैं तो हाथ में कुछ भी नहीं बचता, 10% भी नहीं बचता, लाखों का लाख गवा करके वो बैठ जाते हैं। तो उससे पहले एक बार आइडिया ले लीजिए कि कैसे अपने काम को आगे बढ़ाइए, नहीं बढ़ाना है, कैसे करना है। आइडिया से क्या होता है कि 90% आप अपने काम को सही मुकाम पे पहुंचा सकते हैं, एक ट्रैक पे पहुंचा सकते हैं, है ना। ये चीज़ हो गया। और साथ में जैसे मैंने बताया कि मेंस वेयर में थोड़ा सा मैं कुछ आइटम भी दिखा देता हूँ जिनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। जो सबसे अहम सवाल होता है कि थोड़ा सा कुछ रेट वगैरह का आइडिया देते हैं, क्या है कि होता क्या है कि बहुत लोग सिर्फ वीडियो में बोल लेते हैं कि रेंज स्टार्टिंग है, ये है वो है, लेकिन दिखाते नहीं। तो एक्चुअल आज कुछ दिखाते वाले हैं, पहले मैं जीन्स ही देख रहा हूँ, तो जीन्स वगैरह कितना सा स्टार्टिंग हो जाता है? देखिए हमारे यहाँ 310 रुपये से जीन्स स्टार्ट हो जा रहा है, ऊपर से दिखाएं अभी अच्छा सा रिसेंटली 310 रुपये से स्टार्ट हो जा रहा है। जैसे कि देखिए ये जो है वाइट ब्लैक जीन्स जो है 310 का भी है हमारे पास, इसमें ब्लैक भी चाहिए तो प्राइस सेम ही हाँ हाँ सेम होगा, ये 310 का भी है और हमारे यहाँ ये 390 का भी है, 360 का भी है, सब क्वालिटी का स्टार्टिंग क्वालिटी बात है ना, इनकी खुद की सब मैन्युफैक्चरिंग। हाँ सारा देखिए एक्स इंडिया के नाम से हमारा मैन्युफैक्चरिंग होता है, ये देखिए एक्स इंडिया का नाम से हमारा मैन्युफैक्चरिंग होता है, ये देखिए हमारा एक्स इंडिया के नाम से मैन्युफैक्चरिंग होता है, जितना भी आप देख रहे हैं सारा एक्स इंडिया के नाम से आप देखिएगा, जितना भी आप देख रहे हैं सारा एक्स इंडिया के नाम से देखिएगा,
ये बिहार के लिए बहुत ही कारगर काम। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि दूसरा का फर्स्ट कॉपी फलाना ढिकाना ये सब नहीं, हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हमारा खुद का ब्रांड है। बिल्कुल, एक एक चीज देखेंगे तो काफ़ी प्रीमियम लगता है। हाँ, काफ़ी प्रीमियम है और रेट भी जो है वो सुन करके आपको तबीयत खुश हो जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, क्या रेट होने वाला है इसका। क्या रेट होगा भैया? हमारे यहाँ 310 रुपये से स्टार्ट है, इसका रेट आपको है 450 का है, इसका रेट 450। हाँ हाँ, ये देखिए, ये आपका आएगा, ये दिखाइए, 390 का आएगा, ये 390 का, ये देखिए, ये देखिए, ये है आपका, देखिए 380 रुपये का माल ये है। अच्छा, सबसे अच्छी बात है ना, जब ब्रांड बोल रहे हैं तो आपको वर्टन तक में मिलने वाला है ब्रांड, है ना, ब्रांड का लोगो है ना, बटन भी आपको ब्रांड का मिलेगा, रिपीट भी आपको ब्रांड का ही मिलेगा, लेदर पैच वगैरह जो भी आप देख रहे हैं इसमें सब ब्रांड का मिलेगा। बहुत, लेकिन अब जो सवाल होता है कि भैया, मैं फिर से वो बात को दोहराना चाहता हूँ जो आप लोग कहते हैं कि भैया हम कारीगर हैं लेकिन बाहर में काम कर रहे थे, लेकिन अभी घर पे हैं, घर पे ही सोच रहे हैं बिहार के अंदर में काम करना चाहते हैं, जिनको सिलाई वगैरह का अच्छा से काम आता है, शर्ट वगैरह बनाना जानते हैं, तो वो कहाँ पे रोज़गार करें? तो आज की इस वीडियो में मतलब कि एक सिंडिया भी आपके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी लेकर आया है, तो मैम बताएंगे इसके बारे में जानकारी। थोड़ा सा बताएं मैम कि कैसे जो कारीगर हैं बिहार के, कुशल कारीगर जो होते हैं उनको कैसे रोज़गार आप लोग दे रहे हैं? जो भी कारीगर हैं अगर आते हैं हमारे यहाँ, जीन शर्ट जिनको भी बनाने आता है उनको पूरी सुविधा दी जाएगी, उनको खाने का रहने का पूरी सुविधा है, वो यहाँ आके काम कर सकते हैं। बाहर जाने के बाद क्या होता है कि एट ए टाइम घर में कोई प्रॉब्लम हो गया है, कुछ भी हो गया तो दो दिन बाद पहुंचते हैं आपने, लेकिन यहाँ से वो दो घंटा चार घंटा में कहीं भी अपने घर जा सकते हैं, और जो बाहर कमाते हैं वो यहाँ भी कमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो सैलरी मतलब एक प्रोसेस है, टाइमिंग है कि हाँ आप नए ज्वाइन किए हो तो 15 दिन बाद आपका हिसाब होगा, वो हर जगह होता है। तो उसके मतलब कि सुविधा बढ़िया होने वाला है। सबसे बड़ी चीज है कि आप अपने घर से आए हो, अगर आपके पास एक पैसा भी नहीं है तो आपको लॉजिंग एंड फूडिंग दोनों चीज के लिए आपको सोचना नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको दोनों चीज मिल जाएगा, खाने और रहने के लिए मिल जाएगा, बाद में आप काम करते हो उस हिसाब से फिर आगे देखा जाएगा कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। आपके सीधा सीधा अगर आप अच्छे कारीगर हो तो आपको सोचना नहीं होगा। हाँ, अगर अच्छा कारीगर कोई समझदार रहेगा, या है भी मेरे यहाँ से 3-3 साल पुराने कारीगर है, तो वो लोग टिक जाएंगे तो अच्छा है। बहुत सारे इस लाइन में तो जहाँ तक मैं देखी हूँ कि आता है लोग चला जाता है, बहुत लोग सेट नहीं कर पाते हैं, चाहे वो खाने का प्रॉब्लम हो चाहे वो रहने का प्रॉब्लम हो, लेकिन हमारे यहाँ ये सब सुविधा दी गई है तो हम लोग का उम्मीद है कि कारीगर लोग टिक जाएंगे, रह जाएंगे। बिल्कुल, एक ही वीडियो में हमने कोशिश किया कि सभी लोगों को फायदा हो, खास करके कारीगर को भी, दुकानदार को भी, और जो खास करके जो बेरोजगार है रोजगार भी करना चाहते हैं उनके लिए भी। एक चीज और है कि पूरे इंडिया में माना गया है कि बिहार के जितने भी कारीगर हैं, इसी लाइन में नहीं हर लाइन में, तो हर जगह जाके काम कर रहे हैं, हर शहर को बढ़ावा दे रहे हैं, मतलब जो भी उनके पास हुनर है उस हुनर को दिखा रहे हैं, तो वो हुनर अपने बिहार में दिखाए और बिहार को आगे करे। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये चीज इम्पोर्टेंट है, ये चीज वो लोग को सोचना चाहिए, अपने बिहार को आगे बढ़ाना चाहिए। शर्ट की रेंज क्या स्टार्टिंग रहती है यहाँ पे? हमारे यहाँ देखिए ये सब जितने भी शर्ट है 150 रुपये से लेकर के 290 रुपये तक का आपको माल मिलेगा। अच्छा, ये कहने का मतलब कि 150 रुपये से स्टार्टिंग हो जाता है? हाँ, मतलब कि कुछ कुछ कपड़े इसमें 150 के भी है। हाँ, 150 का भी है, 190 का भी है, 200 का भी है, 260 का भी है, टीच बटन और रबड़ी वगैरह जो भी है 290 का भी है। अच्छा, मतलब प्रीमियम क्वालिटी चले जाते हैं तो 290 तक चले। लेकिन सब कुछ यहाँ पे दिखाना पॉसिबल नहीं है दोस्तों, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, बस पीछे में आप देखिए कि है ना, यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी बॉक्स में भी जाते हैं तो 290-280 तक आपको बॉक्स वगैरह भी स्टार्टिंग हो जाता है ना भैया? हमारे पास बॉक्स का रेट है आपको 260 से लेकर के आपको 260 से 450 रुपये तक का माल मिल जाएगा। बॉक्स वाला कितना से स्टार्टिंग हो जाता है? 260 रुपये से आपको 260 से स्टार्टिंग हो जाता है। तो इस तरह से वैरायटी बहुत सारी है, लेकिन बार बार यही आप लोगों का कमेंट रहता है कि भैया ऑफ़र ज़रूरी है, ऑफ़र क्या रहने वाला है, तो ऑफ़र के बारे में बताएं भैया कि क्या मतलब कि नए लोगों को क्या आप लोग ऑफ़र दे रहे हैं? देखिए हमारे यहाँ ऑफ़र अभी जो चल रहा है, अभी जो भी हमारे कस्टमर अभी अगस्त और सितंबर में परचेजिंग करेंगे, जी ये वीडियो आता है उसके बाद है ना, ये जो वीडियो आएगा पूरा अगस्त और सितंबर का आपको बता रहे हैं। सितंबर की बात कर रहे हैं तो सितंबर में काफी लोग नया रोजगार स्टार्ट करते हैं, स्टार्टअप करते हैं। बिल्कुल,
तो अगस्त और सितंबर में आपको बता देते हैं, जो भी लोग 20,000 से ऊपर जो भी खरीदारी करेंगे उनको हमारे तरफ से ट्रांसपोर्टिंग फ्री दिया जाएगा। अच्छा, ट्रांसपोर्ट फ्री। हाँ, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि ये 2 महीना आपके लिए ऑफर है, कि अभी ये वीडियो आ रहा है अगस्त में आ रहा है, उसके बाद सितंबर आपका पूरा रहने वाला है, सितंबर में काफ़ी अच्छा बाजार रहता है, तो उस टाइम आप 20 से 25 हज़ार का परचेजिंग करते हैं तो ट्रांसपोर्ट फ्री देने वाले। लेकिन कहेंगे भैया 20-25 हज़ार तो खास करके जो वो जिनका दुकान चल रहा है, लेकिन नया जो शुरू करते हैं उनके लिए क्या ऑफर है? उनके लिए देखिए, हमारे तरफ से खास करके जो भी नया लोग हैं, जो नया उद्योग खोलने वाले, नया रोजगार खोलने वाले, नया दुकान ओपनिंग करने वाले हैं, उनके लिए हमारे तरफ से एक ख़ास ऑफ़र अभी है, जो कि परचेजिंग करते हैं माल तो उनको अच्छे रेट में माल प्रोवाइड कराया जाएगा, गाइडलाइंस दी जाएगी, और प्लस माल ले जाए कि परचेजिंग करते जो भी माल उसमें 10-20% माल अगर उनका नहीं बिकता। अच्छा, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है नए लोगों के साथ, नए लोगों के साथ वो परचेजिंग, हाँ परचेजिंग करते हैं, माले 10%, 20%, 25% माल नहीं बिकता है तो वो माल को एक्सचेंज करके दूसरा हम लोग दे देंगे। इसका कोई टाइम पीरियड भी होता है क्या? हाँ हाँ, 1 महीना के अंदर। अच्छा, कम से कम ये 1 महीना का होता है। अगर आपने नया माल यहाँ से लिया, बाय द वे आपका माल 90% सेल हो रहा है लेकिन 10% फंस रहा है, तो इसमें आप कर सकते हैं क्या, भैया कोई वो ला कर देंगे, वो एक्सचेंज करके दूसरा दे देंगे जो माल बिक रहा है आपके यहाँ? 10%, 20% जो भी आपके पास माल बचता है, 10%, 20%, 25% तक जो भी माल बचता है आपके पास वो रिटर्न लेकर के न्यू माल दे दिया जाएगा। अच्छा, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, तो बहुत कुछ है आज की इस वीडियो में, बहुत कुछ है। आप साथ में एड्रेस की बात करेंगे तो क्या होगा भैया? देखिए, हमारा एड्रेस है, सिंपल एड्रेस है, पटना आना है, पटना मीठापुर बस स्टैंड आना है, 1 नंबर गेट के सामने ही है, ठीक सामने ही है, ऑन द रोड ही है, आपको कहीं खोजने का भटकने की जरूरत नहीं है। और पटना जैसे ही आइएगा, महज 5 से 7 मिनट का रास्ता है, रेलवे स्टेशन से 5 से 7 मिनट का रास्ता है, 5 से 10 रुपये लेगा ऑटो वाला, 1 नंबर गेट के सामने छोड़ देगा आपको, वहीं पे 2nd फ्लोर पे एक्स इंडिया का बड़ा सा बोर्ड दिखेगा, ऑन द रोड ही है, कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं आना, बस ऑन द रोड है, मौलाना मजहरुल हक यूनिवर्सिटी के ठीक सामने। अब एक लास्ट सवाल हमारा रहने वाला है कि क्या जो वीडियो देख रहे हैं, कई लोग होते हैं कि रात में भी वीडियो देखते हैं, तो क्या कुछ ऐसा टाइमिंग है क्या कॉल कब कर सकते हैं? जी, मॉर्निंग 10 बजे से लेके नाइट 8 बजे तक वो लोग कॉल कर सकते हैं, मतलब ऑफिस टाइम है, ऑफिस टाइम में। हाँ, क्योंकि वो मोबाइल जो है, जो नंबर है वो ऑफिस में ही रह जाता है, तो कॉल करने से कोई फायदा नहीं है, हम लोग से बात हो नहीं पाएगी, तो इसलिए टाइमिंग 10 से 8 है। बिल्कुल। बाकी दोस्तों, किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट है, आपका इंक्वायरी है, तो आप कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, या फिर तो मैं तो बोलूँगा कि बार बार आपको ये बोलता हूँ कि विजिट कर लीजिए, किसी भी तरह का आपको इंक्वायरी है तो विजिट कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।